हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों का डर, भाइयों का डर देख के मुझे लग रहा है यार कि आप सब बहुत नर्वस हो रहे हो जीडी को लेकर, ठीक है ना। रिजल्ट आपके बहुत सारे यूट्यूबर अब पता है नया डेट निकाल रहे हैं कि ऑफिशियली ये डेट आया, वो डेट आया, लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता दूँ मेरे भाई, अपने फिजिकल लगातार स्टार्ट करो यार, उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ आप सबको, समझ गए। लगातार मोटिवेट करते करते इतने कमेंट कर देते हो ना आप सब कि भैया एसएससी जीडी पे वीडियो बना दो। मैं जब आपके फॉल डांस का वीडियो बना रहा था, जो आपके एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं देख रहे हो आप सब, लेकिन लगातार एक ही चीज़, भैया रिजल्ट कब आएगा वो बता दो, रिजल्ट कब आएगा ये बता दो, फिजिकल कब है, ये कब है, वो कब है, बहुत सारे डाउट आप सबके मन में। तो सुनो भाई, सारे डाउट को क्लियर करने आया हूँ, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान से देखो। अब यूट्यूब चैनल पे हो क्या रहा है कि जितने भी अब टीचर जितने भी वीडियो बना रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्या कि आपके 10 जून तक आपके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले 4 तारीख के बाद किसी दिन भी आ सकते हैं। ये भी बता रहे हैं कि 10 तारीख तक आपके आ जाएंगे, और फिजिकल का डेट कब रहेगा ये भी, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल मुद्दा है। तो मेरे भाई, अब जितने भी टीचर हैं वो सारे फिजिकल का डेट बता रहे हैं, वो डेट बता रहे हैं आपके जुलाई में, ठीक है ना, आपके जून जुलाई में, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक बता रहा है, ठीक है ना। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ मेरे भाई, सुनो ध्यान से, आपके फिजिकल जब हो तब सिर्फ फिजिकल तो करना है आपको हर दिन, ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन भाई दूसरे एग्जाम पे भी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, मार्क्स अच्छे हो या ना हो, मार्क्स मीडियोकर में भी आ रहा है आपका, थोड़े कम भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, फिर भी आपको मेरे भाई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी टाइम जितना बर्बाद किया हो ना, वो सारा टाइम आपको पता है ना, जब एग्जाम आपका CHSL, MTS, GD आने वाले वैकेंसी जो आ रहा है, CGL, CPO बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं यार, रेलवे पुलिस, SI, कांस्टेबल सब के, और 100% एफर्ट के साथ अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, फंस जाओगे मेरे भाई। याद रखना, ये जितने भी पढ़ाई की आपने रोक रखे ना, वो सब आपकी ना टाइम बेकार हो रही है, याद रखना। क्योंकि मुझे पता है यार, बहुत सारे बच्चे 100% एफर्ट के साथ नहीं, सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, आके घर सो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे कर रहे हो मूर्ख बन रहे हो सीधा, क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता, मार्क्स अच्छे होने पर भी आपको नहीं पता कि आप फिजिकली क्वालिफाई हो पाओगे कि नहीं होगा, रनिंग चाहे इतने कितनी भी टाइमिंग है, मेडिकल फिट हो कि नहीं, फाइनल मेरिट बनेगी नहीं बनेगी, कितनी मेरिट जाएगी, सबको इस चीज़ पर डाउट है, समझ गए। तो अच्छे मार्क्स है भी, फिर भी आपको प्रॉपर दूसरे एग्जाम में फोकस करना है भाई, समझ गए। रनिंग अपनी जगह रनिंग करो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप सबके लिए ये है मेरे भाई कि दूसरे एग्ज़ाम को लेके चलो टारगेट, और पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जंक भी नहीं लगेगा, साथ के साथ आप अपने आप को और भी बेहतर अच्छे कर पाओगे, नहीं तो कोई स्किल सीखो यार, समझ गए। ये सारी बातें जो होती है दिल से होती है मेरे भाई, और इस वजह से इस पर वीडियो नहीं बनाया जाता खासकर, मैं समझ गए, इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप सबकी क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा यार, मैं बनाऊँगा आप सब देखोगे, लेकिन वही होता है ना कि जब तक किसी चीज़ का कोई निष्कर्ष ही ना निकले, तो क्या ही बनाना, वीडियो बनाने से फ़ायदा है मेरे भाई, समझ गए। तो आप सबको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ यार, हमेशा मूव ऑन करने की कोशिश किया करो। जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई, आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत करो यार, ठीक है ना। पेपर अच्छा नहीं गया मतलब कि आपके एवरेज मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो आप चुपचाप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो यार, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि आपकी कट ऑफ भी अलग अलग स्टेट की अलग जाती है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, चुपचाप देखो पिछले साल कितनी गड़े उतने भी नहीं बन रहे, तो चुपचाप जाके नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करो यार, समझ गए। अभी से ही करोगे, अब जीडी वाले जितने भी नए बच्चे होंगे मेरे भाई, आप सब फोकस हो जाओ अभी से, किसी का बैच परचेज कर लो, चाहे यूट्यूब से कहीं से भी, सारे कॉन्सेप्ट इसी टाइम आपको ख़त्म करने की जरूरत है, और ये जो गोल्डन टाइम है ना, इसको बर्बाद कर दिए समझो आपकी कहानी ख़त्म है, फिर पिछली अगली बार सिलेक्शन नहीं होगा आपका, समझ गए। ये सारे पॉइंट्स बहुत दिल से निकलती है, और आप सब भाई हो ये मुझे भी पता यार, समझ गए। तो बस रिजल्ट का वेट ना करके प्रॉपर फोकस हो जाओ, और ये वीडियो मैं तब तक डालता रहूँगा ना जब तक आप सब फोकस नहीं होते, पता है रीजन क्या है भैया। बहुत सारे कमेंट में यही बोलते कि भैया आप सिर्फ पढ़ने के बारे में क्यों बोलते हो यार, मेरा फिजिकल है, मेरा जी डी का रिजल्ट आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ मेरे भाई, मैं कभी भी आप सबको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, समझ गए। इस चीज़ को समझ लो मेरे भाई, जिस भाइयों को मेरा बात अच्छा लगे बस भाई लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी एक चीज़ रखना, आपके हित के लिए जब कोई चीज़ सोचा जाता है ना, उसमें आपको तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन सफलता इसे ऐसे ही मिलेगी, समझ गए। और फालतू टाइम बर्बाद करने से कुछ भी ना मिलने वाला, समझ गए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।